हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 रेनबो बुक का चैप्टर नंबर 10 द क्लॉक सेज। क्लॉक सेज का मतलब हुआ घड़ी कहती है। आप सभी के घरों में घड़ी होगी और समय देखना भी जानते होंगे। तो चलिए सबसे पहले घड़ी के बारे में बता देते हैं। क्लॉक का मतलब हुआ दीवार घड़ी और वॉच का मतलब हुआ हाथ में जो हम लोग घड़ी बांधते हैं, ठीक है। तो घड़ी में कुल 12 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। इस प्रकार से हर एक नंबर पर 5 मिनट हो जाता है। जैसे एक पर 5 मिनट हो गया, दो पर अगला 5 मिनट हो गया, तो टोटल 10 मिनट हो जाएगा। जब मिनट वाली सुई 3 पर पहुंचेगी, 15 मिनट हो जाएगा। इस तरह से आप समय देखते होंगे। तो वही हमारी रोज की दिनचर्या जो है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, वही इस पार्ट में बताया गया है। यह पार्ट रवि नाम के लड़के के ऊपर है। उसके बारे में बताया गया है कि वो अपने दिनचर्या में क्या क्या काम करता है। सभी बच्चे अपनी बुक खोल लें और ध्यान से पढ़ें और मेरे साथ भी दोहराएं। और कोई भी समस्या आ रही है तो हमारे स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर लिखें। इट इज 6 o'clock, मतलब 6 बजा है। ओ क्लॉक का मतलब हो गया बजा, ठीक है। मतलब जब कोई संख्या पूरी बज जाती है, जैसे 3 बजा है तो 3 o'clock, 5 बजा है 5 o'clock, 9 बजा है 9 o'clock। इट इज मॉर्निंग, सुबह हो गई है। इट इज टाइम टू गेट अप, उठने का समय हो गया है। रवि विशेष हिज मदर गुड मॉर्निंग, रवि अपनी माँ को विश करता है गुड मॉर्निंग कहकर। बच्चों, जब सुबह को हम अपने से बड़ों को नमस्ते कहते हैं तो उसे इंग्लिश में गुड मॉर्निंग कहा जाता है। इट इज 9:15, मतलब 8:45 बजा है। 8:45 का मतलब हुआ अभी 9 बजने में 15 मिनट बाकी है। जब किसी संख्या को बजने में 15 मिनट बाकी रह जाते हैं तो उसे 2:15 करके कहा जाता है। आगे उस संख्या को बोल दिया जाता है, जैसे 8:15, 7:45 बजाए, 2:15, 2:45 बजाए, मतलब उस संख्या के बजने में अभी 15 मिनट बाकी है, तब 2:15 आता है। रवि हैज हैड हिज ब्रेकफास्ट, रवि अपना सुबह का नाश्ता खा चुका है। ही इज गोइंग टू स्कूल, अब वह स्कूल जा रहा है। सुबह के नाश्ते को बोलते हैं ब्रेकफास्ट। इट इज 12:30, 12:30 मतलब 12:30 बजे है। जैसे आप बोलते होंगे 3:30 बजा है, 6:30 बजा है, 10:30 बजा है, मतलब साढ़े का मतलब हुआ वो संख्या बजकर 30 मिनट, ठीक है। 12:30, हाफ का मतलब हो गया आधा, मतलब जो घड़ी हमारा टोटल राउंड 12 तक का होता है वो आधा तय कर चुकी है, मिनट वाली सुई आधा अपना मार्ग तय कर चुकी है, तो 12 से 6 पर आ गई है, 30 मिनट हो गया है, इसलिए 12:30 बोला जाता है। जैसे हमने बोला 9:30 बजा है तो आप इंग्लिश में कहेंगे 9:30। इट इज़ आफ्टरनून, इस चैप्टर में दिया है 12:30, 12:30 बजा है। इट इज़ आफ्टरनून, मतलब दोपहर का समय है। इट इज़ टाइम फॉर लंच, लंच करने का समय हो गया है। लंच बोलते हैं दोपहर के भोजन को। रवि इज हैविंग लंच, रवि अपना दोपहर का खाना खा रहा है। इट इज 5:30, 5:30 बजा है। इट इज इवनिंग, शाम का समय है। इट इज टाइम टू प्ले, खेलने का समय हो रहा है। इवनिंग का मतलब शाम। रवि इज प्लेइंग फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड, रवि खेल के मैदान में फुटबॉल खेल रहा है। इट इज 7:15, 7:15 का मतलब हुआ 1:15, जैसे बोलते हैं 3:15 बजा, इसका मतलब ये हुआ 3:15। 7:15 का मतलब जब कोई भी संख्या बजकर 15 मिनट हो जाते हैं तब 7:15 बोला जाता है, ठीक है।
क्वार्टर पास्ट सेवन मतलब 7:15 बजा है. रवि इज स्टडिंग, रवि पढ़ रहा है. ही इज डूइंग हिज होमवर्क, वह अपना गृह कार्य कर रहा है. जो इसका स्कूल से दिया गया होगा घर के लिए, वह गृह कार्य कर रहा है. आगे आते हैं, इट इज 9:00, 9 बज गया है. जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, ओ क्लॉक मतलब बज गया पूरा नंबर. इट इज़ टाइम टू गो टू बेड, अब बिस्तर पर जाने का समय हो गया है, मतलब सोने का समय हो गया है. रवि इज स्लीपिंग, रवि सो रहा है. तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने डेली रूटीन को एक क्रम में रखना चाहिए, हर एक काम का एक समय निश्चित रखना चाहिए. जैसे इसमें क्वेश्चन आंसर भी है आपकी बुक में. पहला क्वेश्चन है, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग. पहला सवाल है, आप सुबह कितने बजे उठते हैं. सभी बच्चे बताएंगे कौन सुबह कितने बजे उठता है. वैसे हमें 5 बजे उठ जाना चाहिए, नहीं तो अधिकतम 6 बजे तो उठ जाना ही चाहिए. डू यू टीच स्कूल ऑन टाइम, डू यू रीच स्कूल ऑन टाइम, क्या आप समय पर स्कूल पहुंचते हैं. व्हाट टाइम डज योर स्कूल स्टार्ट इन द एंड, आपके स्कूल का समय कब शुरू होता है और कब खत्म होता है. आप लिखेंगे, जरूर बताएंगे, अपनी कॉपी पर नोट करेंगे. एट व्हाट टाइम डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स, और कितने समय आप अपने दोस्तों के साथ खेलने जाते हैं. विच इज द बेस्ट टाइम टू स्लीप, सोने का सबसे अच्छा समय क्या है. एंड एट व्हाट टाइम डू यू गो टू स्लीप, और किस समय सोने जाते हैं. देखिए, सोने का समय लगभग 9 बजे ही सही रहता है. कुछ बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं तो 10 से 11 बजे तक सो जाते हैं. ऐसे हमें आप बताएंगे आप कितने बजे सो जाते हैं. उसके बाद नंबर 2 में आपकी बुक में घड़ियाँ बनी हुई हैं, उसमें आपको समय देखकर पहचानना है और लिखना है कितना बजा हुआ है. बच्चों, आज के लिए इतना ही. और जो भी हमने आपको पढ़ाया है, समझाया है, वो आप अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे, लिखेंगे और स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी सेंड करेंगे. थैंक यू.